कौन डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम डाउट्स पॉइंट्स। दिस इज फॉर क्लास 10 एंड सब्जेक्ट इज सिविक्स चैप्टर फर्स्ट। सम स्टूडेंट्स कीप सम डाउट्स, सम पॉइंट्स अबाउट विच दे डोंट अंडरस्टैंड समथिंग एंड सो दे आस्क सम क्वेश्चंस। हेयर इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स विच केप्ट बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। डाउट पॉइंट्स आर व्हाट इज पावर शेयरिंग। डियर स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सो दैट पावर कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स और अ पीपल और अ पर्सन। जब राजतंत्र की व्यवस्था थी, डिक्टेटरशिप चलता था, अभी भी बहुत सारे राजतांत्रिक व्यवस्था और डिक्टेटरशिप हैं दुनिया में, वहां के शासन व्यवस्था को जब आप समझना चाहेंगे तो बस थोड़े से व्यक्ति या एक पर्सनैलिटी में सारा पावर आके कंसंट्रेट हो जाता है। अब वो थोड़े से व्यक्ति या एक व्यक्ति जो भी निर्णय लेते हैं वो सारे राष्ट्र को मानना होता है। यहां पे सबके सुखों की चिंता, सबके वेलफेयर का जो डीलिंग है वो संभव नहीं हो पाता है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम आते हैं जो हम हमेशा देखते रहते हैं या देख सकते हैं। जर्मनी में हमने देखा था कि जब डिक्टेटरशिप के रूप में जर्मनी में एक ही व्यक्ति के अंदर सारे पावर कंसंट्रेट हो गए, हिटलर, तो हिटलर ने जो निर्णय लिया वह सारी दुनिया को भुगतना पड़ा। अब उसका निर्णय गलत था या सही था यह डिबेटेबल पॉइंट था ही नहीं, क्योंकि इस पर डिबेट संभव ही नहीं था, डिबेट कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि एक ही व्यक्ति में सारे पावर कंसंट्रेटेड थे। उसने जो सही समझा, उचित समझा, वो किया। जैसे हम अभी चाइना की स्थिति देख रहे हैं, चाइना में भी एक तरह का डिक्टेटरशिप है। वहां के शासक जो भी करना चाहें वो करते हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं संभव है, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। और इसका दुष्परिणाम वर्तमान में भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए The world accepted democracy, a new type of governing system. And in democracy, power is shared among different organs or different levels of government, so that decision can be taken by a long discussion in favor of the people, for welfare of the people. And this is power sharing. I want to say you that power sharing is very inevitable in democratic governing system. प्रजातंत्र का प्राण जो है वो power sharing में बसता है। Power sharing को अगर हटा दिया जाए तो फिर प्रजातंत्र मूल्यहीन हो जाता है, उसका कोई meaning नहीं रह जाता। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, आई एम टेकिंग नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डाउट, दैट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग थ्रू विच वी कैन शेयर पावर, और थ्रू विच डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शेयर देयर पावर्स।
Here I want to say you that there are three types of power sharing in existing world. Some country accepted horizontal power sharing. Some country accepts vertical power sharing. इसको थोड़ा सा गहराई में जाके समझना होगा. हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में होता है कि पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में शेयर कर दिया जाता है और ये जो डिफरेंट ऑर्गन में पावर शेयर किया जाता है उसको चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर एक दूसरे से बांध दिया जाता है. ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव आपके लिए कानून बनाती है. अब जो इंस्टीट्यूशन कानून बनाई वही इंस्टीट्यूशंस कानून को लागू नहीं करेगी. इस कानून को लागू करने का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है और जो संस्था कानून को बनाई या उसको लागू की उसके संरक्षण या गाइडेंस का भार इसी दोनों संस्था पर नहीं दिया जाता है. एक तीसरी संस्था जुडिशियरी को इसका पावर दिया जाता है. अब ये तीनों संस्थाएं जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियरी है, इस तीनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर दिया जाता है कि कोई भी संस्था मतलब इस तरह से अपने पावर को कंज्यूम नहीं करे कि वो ऑल इन ऑल हो जाए. जैसे कानून बना रही है लेजिस्लेटिव तो वो संविधान के दायरे में कानून बना रही है या नहीं इसको देखने के लिए जुडिशियरी तैयार है. एग्जीक्यूटिव उसको लागू कर रही है तो एग्जीक्यूटिव उसको सही तरीके से लागू करती है या नहीं इसको भी रिवाइज जुडिशियरी करेगी. अब जुडिशियरी बहुत पावरफुल नहीं हो जाए इसके लिए जुडिशियरी सही से काम कर रही है या नहीं तो इसको देखने का जो अधिकार है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को दिया गया है. दिस मीन्स कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियरी को कमांड करता है इम्पीचमेंट लगा करके या उसमें अपॉइंटमेंट करके. तो इस तरह की प्रक्रियाएं बनाई गई हैं. इस प्रक्रिया में कोई भी संस्था बहुत अधिक पावरफुल नहीं होता है. जिसके जो अधिकार दिए गए हैं उसी अधिकार क्षेत्र में उसे काम करना होता है और अपने काम को परफॉर्म करना होता है. तो यहाँ चेक एंड बैलेंस की भी नीति अपनाई गई है. तो ये आपको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है. वर्टिकल पावर शेयरिंग में पावर को डिफरेंट लेवल पे शेयर किया जाता है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए जाते हैं जो पूरे देश के क्षेत्र के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के अधीन दिया जाता है. जो रीजनल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है उसको स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है. और एक थर्ड पावर शेयरिंग है आपको लोकल लेवल, जिसको सोशल पावर शेयर इन सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो सोशल ग्रुप में पावर को शेयर करके प्रत्येक व्यक्ति तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया जाता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में. जो भी आपको सोशल ग्रुप्स हैं जो रीजन के डेवलपमेंट के लिए, कल्चर के डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है उसको स्वतंत्र निकाय के रूप में कुछ पावर्स दिए जाते हैं कि वो अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से पॉलिटिकल एरेना में ला सके और उसकी बात को सुना जाए और उसके समस्याओं को हल किया जाए. तो इस तरह से तीन लेवल पे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, दैट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग एंड पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. दीज आर थ्री टाइप्स. ओके, हेयर वी अंडरस्टूड
what is power sharing and types of power sharing. There are some doubts points also, and about those points we will try to understand in our next session. Okay.